हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। यहाँ पर ओलंपिक्स मैन लीग का मैच हो रहा है परागियो वर्सेस माली अंडर 23 के बीच 12:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, तो आगे बढ़ते हैं। देन बात करें अगर हम इस मैच की, देन परागियो एंड माली टीम बोथ आर नॉर्मल टीम्स। मतलब देखा जाए तो ओलंपिक्स मैन लीग में मेरे को नहीं लगता कि कहीं भी ये क्वालिफाई हो पाएंगी। ये ओलंपिक्स मैन में खेल रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है, मैं तो यार ये बात करूँगा, क्योंकि माली टीम ज़्यादा आगे नहीं जा सकती, मतलब नॉकआउट्स में पहले ही बाहर हो जाएगी। और मेरे को यही हाल इनके भी नज़र में आ रहे हैं, क्योंकि इनके ग्रुप में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, ठीक है, आपको पता है। तो इसलिए मैं इस मैच में फेवर की अगर बात करूँ तो ये परागियो के लिए एक जीतने का मौका है। और अभी जितने भी मैच हो रहे हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे रिज़ल्ट निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई मैच ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, ये भी एक अच्छी खुशी है। तो ओलंपिक्स मैन लीग में मुझे लगता है कि माली टीम आज गोल नहीं कर पाएगी, मेरा ऐसा मानना है। बाकी हाँ, पेनल्टी वगैरह आई तो वो अलग बात है, बाकी परागियो टीम अपने बलबूते पर गोल करके जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन में मैं डोम्बिया को लूँगा। डोम्बिया जो प्लेयर है, ये अपनी टीम का एक मेन प्लेयर है, पिछले मैच में इसने एक गोल किया था, ठीक है, और अगले मैच में 15 पॉइंट इसलिए हुए थे क्योंकि इस बंदे ने उस मैच में एक पेनल्टी मिस कर दी थी। तो देखो, पेनल्टी मिस के 20 पॉइंट कटते हैं और पेनल्टी गोल के 40 पॉइंट स्ट्राइकर को मिलते हैं, तो भाई ये बिल्कुल एक फैक्ट वाली बात है। अगर डोम्बिया उस मैच में गोल कर देता तो आज इस लड़के के पॉइंट भाई कुछ आगे होते, सीधी बात है, फिर 45+ पॉइंट होते। तो अब ऐसा है कि तो हमें ये चीज़ तो भाई नोटिस करनी पड़ेगी, अगर वो फ्लॉप हुआ भी है तब भी हमें उसका साथ देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अपोजिशन टीम की बात करूँ, एम फर्नांडिस यहाँ पर खेल रहा है, पिछला मैच खेला अभी ये बंदा, पहले मैच में इस बंदे ने 2 गोल कर दिए, वो भी 8% सिलेक्शन पे। भाई मार्शेलो फर्नांडिस का यही गेम प्ले देख के मैं इसे ले रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं इसे पहले से जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं जिन प्लेयरों को जानता हूँ वो मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके बारे में मैंने पिछला जो इसका मैच देखा, भाई बहुत ज़्यादा फ्रंट साइड प्लेयर है, बहुत आगे जाकर खेलता है, तो वहाँ पर तो गोल मिलने की अच्छी मतलब चांस है। और बात करें, देखिए बाकी प्लेयर इनके मेन है नहीं है, जैसे एम पेरेस की बात करूँ तो मार्शेलो पेरेस का गोल आना चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ, तो मैं तो पेरेस को भी लूँगा। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, देखिए भाई बीट रॉर और ए सलाम जिडो को आपने लेना ही लेना है, आप किसी को भी छोड़ दो, ये दोनों आपके नहीं छूट सकते, इनको तो देखो दिमाग में रख लो, क्लियर कर दूँ मैं आपके सामने। क्योंकि माली टीम है, माली टीम के पास पहली ढंग के प्लेयर है नहीं, एक आधा प्लेयर जो है इसने प्रीमियर लीग में थोड़े बहुत साल बिताए हैं तो जाकर भाई इसको यहाँ पर जगह मिली हुई है सही में। उसके बाद एंकिसो की बात करें, देखिए एंकिसो मेन प्लेयर, जिस भी लीग में डोमेस्टिक खेलता है वहाँ पर इसने गोल और असिस्ट की बरसात की हुई है, गोल तो कम है असिस्ट बहुत ज़्यादा है। और गोमेज़ भाई, सब गोमेज़ यार मेजर लीग सॉकर में खेलता है और क्या बंदा है, असिस्ट पे भरोसा करता हूँ तो 119 पॉइंट, मतलब अगर ये बंदा गोल कर देता तो भाई साहब 200+ पॉइंट होते हैं, अगर ये 2 गोल कर देता, इसने 2 असिस्ट करी, 119 पॉइंट, जिसमें से इतना अच्छा गेम प्ले, 8 बार चांस क्रिएट किया टीम का 8 बार, उसके बाद 25 पासिस कंप्लीट, 5 टैकल, 5 इंस्क्रिप्शन, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मतलब एक मैच में इतने सारे पॉइंट देना वो भी बिना गोल के बहुत बड़ी बात है। और डिफेंडिंग सेक्शन में बेलब्यूना, जो कि वेस्ट हैम यूनाइटेड में काफ़ी ईयर्स खेला है, उसके बाद डी रिवास को यहाँ पर लेंगे। थर्ड डिफेंडिंग में फ्लोर्स खेल रहा है, कोई लेने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि आर डी जीसस का यहाँ पर रोल तगड़ा है। और बात करें यहाँ पर गोल कीपिंग की, तो एल डी आर आ के साथ यहाँ पर मैं जाऊँगा। कैप्टन की जहाँ तक बात रही तो लोगों जिसको मर्जी कैप्टन रखें, मेरा जो कप्तान है भाई, मैं पर्सनली गोमेज़ के साथ ही जाने वाला हूँ, ठीक है। गोमेज़ बहुत अमेजिंग प्लेयर है, गेम प्ले से बहुत पॉइंट है, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ऐसा कीजिए, जैसे एंकिसो ने प्रीवियस मैच में गोल किया और 3 बार शॉट ऑन टारगेट था, तो मतलब 2 गोल आ सकते थे, तो आप ये कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो उल्टा, मतलब आप सेम मत बनाओ ना लोगों की तरह, वो तो फिर मतलब सिलेक्शन बेसिस पे आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि कहीं होगा कैप्टन फर्नांडिस भी होगा, तो आप उल्टा करो एंड किसी को कैप्टन रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।